चलो दोस्तों निकलते हैं बाहर, अब अपने को काम है, काम फिनिश करके लिखेंगे, जाना है अपने को। हेलो दोस्तों, परिंदा ना मौजूद फिर एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करके सजेशन देना दोस्तों, और इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर देना। आज मैं आया हूँ दिनसुख नगर, यहाँ पे छोटा मोटा काम था, ये देख सकते हैं यहाँ पे हूँ मैं भी। मैं बोला था ना आपको मैं रेगुलर ब्लॉगिंग लाऊंगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं लोकेशन, मैं कहाँ पे हूँ। चलिए आपको ना थोड़ा सा काम फिनिश करके मैं मिलता हूँ। दिलसुख नगर ना हैदराबाद में एजुकेशन हब है, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप दिलसुख नगर में आके सीख सकते हैं। आपको मैं ना यहाँ पे क्यों आया, किस लिए आया ना बाद में पता चल जाएगा, हौले हौले थोड़ा सा सस्पेंस खेलते हैं। देख सकते हैं हैदराबाद में इस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है बिल्डिंगों का, ऐसा दिखता है कि अपन दुबई में हैं लेकिन हम लोग हैं हैदराबाद में। कितना ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है हैदराबाद सिटी में, ये आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त बिल्डिंगा बन रहे हैं हैदराबाद सिटी में। अगर आपको ये यहाँ पे अगर आपको फ्लैट लेना है ना तो कम से कम 2 करोड़ रुपए रखो कम से। ओके दोस्तों, जो काम होना था वो हो गया, अब मैं घर की तरफ निकलूँगा। ये है मैं जहाँ पे आया था, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। देख सकते हैं आप लोग कैसा ज़बरदस्त मौसम हो चुका है हैदराबाद सिटी का, और मैं गाड़ी रखने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मसला चल रहा था ना, उस वजह से क्या है मैं गाड़ी बाजू रखा। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे पीएंगे ज़बरदस्त गन्ने का शरबत। क्वांटिटी बिकता महंगा हाँ जी, महंगा है ना जी। नहीं महंगा, आपको दिख रहा है ऐसा महंगा। ठीक है चलो एक ग्लास दे दो। ओके, ये है दिलसुख नगर, एजुकेशन हब है यहाँ पे, पूरा एजुकेशन हब। अभी मैं आइडियल कॉलेज के सामने हूँ, आपको नहीं दिखेगा आइडियल कॉलेज, लेकिन मैं आइडियल कॉलेज के सामने हूँ और डिजिटल ग्रैंड स्मार्ट है यहाँ पे। हाँ एक ही चौंटी। यहाँ से मैं आदत डाल रहा हूँ रेगुलर ब्लॉगिंग करने की, ये देख सकते चाय बंडी यहाँ पे। और मैडम कैसा चल रहा बिजनेस, अच्छा चल रहा? अभी तो नहीं है, क्यों बताओ, कॉलेज के बच्चे आएंगे तो बिजनेस होगा आपको। यहाँ पे पूरे कॉलेज के बच्चे रहते हैं यहाँ पे, पूरा जितने भी एजुकेशन हब है ना पूरे यहाँ पे ही है। ये देख सकते मैं ये बिल्डिंग में आया था थोड़ा काम से। ये आ चुका है अपने हाथ में गन्ने का शरबत, लेकिन अपन क्या करेंगे थोड़ा सा ना राइट हैंड से पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं खराब बात हो जाती लेफ्ट हाथ से पिए तो। हाँ बहुत दिन के बाद गन्ने का शरबत पी रहा हूँ मैं, यहाँ तो चले गए, अब आ गया बारिश, बारिश में पियेंगे गन्ने का शरबत और इन्जॉय करेंगे अपन। वाकई गन्ने का शरबत का रेट बढ़ गया, 20 रुपये हो गया, पहले 10 रुपये 5 रुपये में रहता था। अभी हम आ गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के लिए। भैया भैया 100 का। अब यहाँ पे आपको पूरी मैं डिटेल दूंगा, मेरे साथ हो क्या रहा है लाइफ के अंदर, कर क्या रहा हूँ मैं, सब आप लोग को सब चीज़ की डिटेल दूंगा मैं। यहाँ पे थोड़ी सी अभी ये देख सकते सामने बंदा डला रहा है पेट्रोल, उसके बाद अपन डलाएंगे पेट्रोल। अभी हूँ मैं यहाँ पे रॉयल एम्बेसी स्कूल के सामने, साई बाबा पेट्रोल पंप पे हूँ मैं। यहाँ पे पेट्रोल डला के अपन अब घर के और निकलेंगे, अब गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे अपन।
चलो भाई थोड़ा सा हट गया तो मेहरबानी। भैया डाल दो 100 का पेट्रोल। यूट्यूबर हूँ जी मैं, यूट्यूबर हूँ मैं, पेट्रोल क्या बोलते हैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ मैं, हर चीज़ को। वो तो वैसा नहीं है, ऐसा गलत हो रहा वैसा नहीं है, न्यूज़ टाइप का नहीं, देखते होंगे ना ब्लॉगर्स। फ्यूचर एपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो जाके देखेंगे। मेरा दोस्त है नहीं है, हमारे अलीम साहब जो कि हमारे खास और ख़ास मित्र है। अस्सलाम वालेकुम अलीम साहब, है अलीम साहब? अरे मैं उनका दोस्त हूँ, तो मिलने के लिए आया था। उनका गुलबर्गा कहीं जा रहे कहते हैं ना उन्हें, कल सुबह जा रहे। ठीक है चलिए, मैं आया था मिलने के लिए जो कि हलीम साहब जो कि नहीं है। कल उन्हें थोड़ा सा गुलबर्गा जा रहे हैं, अगर रहते तो आप लोग को सबको भी मिला देता था इंशाल्लाह। अगर उन्हें फ़ोन करे तो जाकिर आए थे बल्कि बता दीजिए। नहीं उस उन्हें क्या है थोड़ा सा अर्जेंट हूँ मैं, जा रहा हूँ बल्कि बोले थे। ठीक है दोस्तों, उन्हें तो नहीं मिले, चलिए नेक्स्ट टाइम आपको मैं मिलाऊंगा। ये है हमारा आपसे मिलेंगे, अब पहुँचेंगे घर। अब सुबह से मैं खाली घूम रहा हूँ, थोड़े से मेरे कामा थे, और यहाँ पे थोड़ा सा हेलमेट देख लेंगे, अपना हेलमेट थोड़ा सा टेढ़ा है। अब उठा हूँ, अब थोड़ा सा चाय गर्म करेंगे पियेंगे और दूसरे काम के लिए निकलेंगे। आज थोड़ा सा ना बारिश का मौसम अलग ही था, समझ में नहीं आया बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है, और ना थोड़ी सी ना आजकल मौसम में ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, उससे क्या हो रहा गर्मी बहुत हो रही थी। धूप तो नहीं थी लेकिन गर्मी का बोल नहीं सकते, उतनी गर्मी थी, आखिरी गर्मी थी, और ऐसा पसीना जा रहा था मुझे पता नहीं, और ऊपर ना जरी भी धूप नहीं, पैक थे तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था। लेकिन क्या करेंगे, थोड़े से कामा थे, और आपको आगे आपको पता चलेगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपका परिंदा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और दिखाएगा, और थोड़ा सा अपन भी इंजॉय करेंगे लाइफ के अंदर। बोलते ना लाइफ का पूरा टेस्ट चले गया था, अब लाइफ का पूरा टेस्ट लाऊंगा और आप लोगों के साथ इंजॉय करूँगा। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे हाथ में आ गई गरम गरम चाय। अब मैं यहाँ से बिस्किट खाऊंगा और थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, और उसके बाद अपन निकलेंगे थोड़ा सा काम से बाहर। और थोड़े से कामा है मुझे आज, आज है सैटरडे, और सैटरडे के दिन जो भी मेरे पेंडिंग वर्क्स होते हैं ना मैं पूरे करता हूँ, जिससे क्या होता हफ्ते भर अपने को टेंशन नहीं रहता। चलिए जल्दी से अपन सनफीस्ट बिस्किट के मज़े लेंगे यहाँ पे। ज़बरदस्त सनफीस्ट बिस्किट है, और ये ले सकते चाय अपनी गरम गरम और बिस्किट। अब मुझे जाना है यहाँ से इंजन बोली, अपने ऑफिस जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ा सा काम है, वो काम फिर मेरे को जाना है फत्तरगट्टी, फत्तरगट्टी पे एक बंदा है उससे मिलना है। मिलने के बाद अपन क्या करेंगे फिर घर को वापस आएंगे, और बैंक से पैसे भी निकालना है। आज एक दिन में ऐसे काम बहुत है जो कि अपनी करना है, फिर आके घर आके फिर फ्रेशअप होके फिर मुझे जाना है जिम। चलो दोस्तों जल्दी से अपन यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे अपन लोगों का अपनी चाय और बिस्किट, और निकलेंगे अपन। चलो दोस्तों निकलते अपन बाहर, अब अपने को काम है, काम फिनिश करके लिखेंगे, जाना है अपने को अभी इंजन बोली। मैं इंजन बोली से पहले मेरे को क्या है थोड़ा सा मेरे फादर का फ़ोन बनाने का है, वहाँ पे रुकेंगे फ़ोन देंगे, उसके बाद क्या करेंगे इंजन बोली जाएंगे, वहाँ से फिर फत्तरगट्टी जाएंगे, फत्तरगट्टी जाने के बाद वहाँ से जाना है पैसों के वास्ते, थोड़े से पैसे निकालने अपने को। ये ठहरेगी अपनी मोहब्बत, यहाँ पर मोहब्बत को करेंगे ऑन। चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, फिर फ़ोन की दुकान पे जाके आपसे मैं मिलता हूँ। मैं ये आ गया मैं फ़ोन की दुकान पे, भैया फ़ोन रिपेयर कराना है मेरे को, फ़ोन रिपेयर कराना है। ये नोकिया का फ़ोन था, देखो आवाज़ नहीं आ रही, अब यहाँ से रेगुलर ब्लॉगिंग हो रही समझे। हेडफोन मार्क आ गया इसके अंदर, फोन का हेडफोन मार्क आ गया, आवाज़ नहीं आ रही ना, पता नहीं लाइट वो नहीं मालूम। ये हमारे दोस्त साहब हैं बिलाल भाई, हाय हेलो तो बोल दो। क्या हो गया? अभी मैं हाथ से पानी था मेरे हाथ पे, मसला ये है क्या तो भी हो गया फोन को लगा के डायरेक्ट चेक कर लेंगे।
माइनस चलिए दोस्तों, फोन चेक होने के बाद अपन मिलेंगे।